गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज सुबह के अभी बज रहे हैं 4 और आज मैं करने वाला हूँ सोलो राइड जो कि है इंदौर एमपी से और जोधपुर राजस्थान के अंदर। जो इसका डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो करीब है 700 किलोमीटर और देखते हैं कि 12 घंटे में कर पाते हैं या 13 या 14 घंटे लगते हैं। सुबह के 4 बजे और हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं राइड और वो भी बाइक से। मैं आपको बाइक भी दिखा देता हूँ, ये देखिए पूरा बाइक लोडेड है। सो ये बाइक लोड हो चुकी है हमारी, अब बस यहाँ से करनी है जर्नी स्टार्ट। सो चलिए देखते हैं रास्ते में क्या क्या मिलता है और कितने बजे हम पहुँचते हैं। तो दोस्तों अभी 7:10 हुए हैं और हम पहुंच गए हैं जावरा क्रॉस कर लिया है मैंने। और मैं पीछे बता देता हूँ, हम चले थे इंदौर से 4 बजे और 5 बजे हमने क्रॉस किया उज्जैन और 6 बजे हमने किया क्रॉस नागदा और अभी 7:10 पे हमने जो है जावरा क्रॉस कर लिया और अभी नीमच होते हुए राजस्थान में करते हैं एंट्री। तो चलिए अभी तक तो बड़ी अच्छी रही जर्नी, तो आगे देखते हैं। फ्रेंड्स ये जो पीछे ढाबा देख रहे हैं बहुत ही अच्छा, यहाँ पे ब्रेकफास्ट मिला, आलू का पराठा खाया मैंने, बहुत ही बढ़िया था। और वैसे बाय द वे ये ढाबा है नीमच के पास में, नीमच बहुत ही पास में है यहाँ पे। और मैं अभी जावरा साइड से आया हूँ, मंसूर क्रॉस कर लिया और अभी बजे हैं 9 और हमने काफ़ी क्रॉस कर ही लिया है, काफ़ी स्पीड से चल रहे क्योंकि आधा घंटा तो मुझे हो गया यहाँ पे खड़े हुए। और बाकी देखते हैं आगे, एज यू कैन सी पीछे हाईवे, अभी चलते हैं स्टार्ट करते हैं। और अभी नेक्स्ट स्टॉपेज हम लगाएंगे शायद भिलवाड़ा के आसपास, चित्तौड़ के बाद भिलवाड़ा के आसपास। फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए हैं रायला जो कि है भिलवाड़ा और विजयनगर के बीच में। विजयनगर अभी यहां से पड़ा है 35 किलोमीटर, तो वहां से हम जो है ब्यावर के लिए टर्न लेंगे। और अभी टाइम हो गया है 1:30, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा लू चल रही है। अब गाड़ी को थोड़ा सा और ठंडा कर लें, मैं सोचा कि क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है। तो बस अभी 15-20 मिनट और रुकते हैं फिर निकलते हैं।
तो दोस्तों कल जो है मैं इंदौर से एमपी से लेके जोधपुर राजस्थान तक जो है 727 किलोमीटर का एक पूरा सोलो राइड करके आया हूँ। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। एक्सपीरियंस राइड की अगर बात करूँ तो डेफिनेटली राइड में तो वाकई एंजॉय किया, मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया कि इतना लंबा राइड किया। और ये राइड मैंने सुबह 4 बजे जो है स्टार्ट करी थी और शाम को जो है करीब 6:30 बजे मैं यहाँ पे जोधपुर में पहुंचा। और इस दौरान जो है हमें लगे करीब 15 घंटे। तो 15 घंटे के अंदर अगर मैं बात करूँ तो बीच में 5 बार तो हम रुकना पड़ा बीच में, क्योंकि गाड़ी गर्मी इतनी ज्यादा थी कि गाड़ी बहुत ज्यादा इंजन गर्म हो जा रहा था, तो उसके चलते जो है गाड़ी को थोड़ा देर ठंडा करना पड़ा। तो 20-25 मिनट की जो है 5 बार गाड़ी को रोक के थोड़ा ठंडा किया। और साथ ही साथ इतनी ज्यादा गर्मी थी कि पानी जो आप साथ में लेके चल रहे थे तो वो पानी की बोतल आप कितनी भी ठंडी साथ में लेके चलो, लेकिन वो हवा इतनी ज्यादा गर्म आ रही थी कि पूरा पानी ना एकदम बॉइल वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा था, तो वो आप ड्रिंक नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए बार बार रुक के जो है एक पानी भी पीना पड़ा, क्योंकि बहुत जरूरी है कि ऐसी अगर गर्मी के अंदर जो है अगर आप राइड करते हैं तो वहां पे आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका जो है पानी पीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी गर्म जब हवा आपको लगती है तो वहां पे आपका जो शरीर का जो प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब बहुत सारी चीजें जो है डिहाइड्रेट वगैरह हो सकते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए जो है आपको पानी पीने की जरूरत बहुत पड़ती है। पानी पियो साथ में साथ आपको जो टाइम से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डाइट भी लेना चाहिए ताकि आपके शरीर की एनर्जी जो है बनी रहे और आप कंटिन्यू अपनी राइड को करते रहें। सो दोस्तों ये पूरा टाइम लगा हमें 727 किलोमीटर तय करने में, जिसमें रहा 15 घंटे के लगे हमें यहाँ पे पूरा करने में। और क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा रोड जो है हाईवे ऑलरेडी 4 लेन है, लेकिन फिर भी ये उसको 6 लेन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं भिलवाड़ा से बात करूं अपने ब्यावर तक, तो ब्यावर तक जो है पूरे रोड बहुत ही ज्यादा मतलब खुदे हुए थे साइड पे, उसको 6 लेन में कन्वर्ट कर रहे हैं विजयनगर तक। तो विजयनगर से लेके ब्यावर के बीच का रोड तो बाय गॉड ऐसा एक गंदा वाला एक्सपीरियंस रहा, मतलब आप गाड़ी तो चला ही नहीं पा रहे थे स्पीड पे, क्योंकि कारण ये था कि रोड में इतने ज्यादा पैचेस लगे हुए हैं, रोड ऊपर नीचे ऊपर खाबड़ बनी हुई है कि बीच में इतने सारे गड्ढे हैं कि गाड़ी की आप स्पीड जो है आई थिंक 10 से 15 किलोमीटर से ज्यादा जो है आप नहीं कर पा रहे थे। तो हमें जो 40 किलोमीटर का एक पैच मिला विजयनगर से ब्यावर तक, वो करीब करीब हमें पूरा करने में 1.5-2 घंटे लग गए, जिसकी वजह से जो है हमारा काफी ज्यादा टाइम वहां पे लग गया, क्योंकि रोड तो थे ही नहीं। एक तो वो रोड ही नहीं थे और दूसरा जो रोड खतरनाक मतलब इतने गड्ढे के साथ में थे और वहीं पे उसमें जगह जगह पे स्पीड ब्रेकर, मतलब एक तो वैसे ही आप स्पीड नहीं मेंटेन कर सकते और ऊपर से जो है स्पीड ब्रेकर इतने ज्यादा बने हुए थे, तो आप वैसी गाड़ी स्पीड नहीं चला पा रहे थे। सो दोस्तों ये था कुछ एक एक्सपीरियंस। गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप राइड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जो है सर्दी के अंदर या फिर बरसात के अंदर राइड करें, ताकि आप जो है एक अच्छे नॉर्मल टेम्परेचर में जो है आप राइड कर पाए। गर्मी के अंदर राइड करना, वो भी इतना लंबा राइड करना, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। क्योंकि एक होता है सुपर बाइक्स में आपको एक अलग कंफर्ट जोन होता है, लेकिन जो मैंने ये 727 किलोमीटर कवर किए ये मैंने सुजुकी की स्लिंगशॉट जो बाइक है उसके साथ किए, तो इसमें जो है उतने ज्यादा एडवांस फीचर्स नहीं है। बाइक बहुत अच्छी परफॉर्म किया बाइक ने, इतने टेम्परेचर के अंदर भी जो है बराबर उसने जो है स्पीड को कहीं धोखा नहीं दिया, कहीं कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। और मैं बिल्कुल स्मूथली गाड़ी को तो मैं हैट्स ऑफ करना चाहूंगा कि उसने जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। सो यही थी कुछ एक एक्सपीरियंस शेयर करना था, सोचा कि आप लोगों से, क्योंकि हम लोग इस चैनल पे सिर्फ एक टेक्निकली नहीं, अब डे टू डे पे मैं क्या करता हूँ क्या क्या नहीं करता हूँ सारी चीजें जो है कुछ व्लॉगिंग भी स्टार्ट करने वाला हूँ, ताकि हम एक दूसरे को और ज्यादा अच्छे से समझ पाए।
और आगे इस चैनल को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सके। सो दोस्तों, आई होप ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी ब्लॉगिंग और टेक्निकल कोर टेक्निकल वीडियोस हम बहुत पहले लेके आ चुके हैं और आगे भी बहुत सारी लाइनअप है। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।